हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉक विद शिवेंद्र। देखिए, आज सीआरपीसी में हमें चैप्टर 3 देखना है। चैप्टर 3 में हमें कहां तक कवर करना है? सेक्शन 26 से लेकर 35 तक ये कवर करना है। पढ़ने देखिए, ये चैप्टर बांट के जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। कभी कभी प्री का क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। जब आपको चैप्टर पता हो कि ये चैप्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रावधान किया गया है, तो ये हमें काफ़ी मदद मिलती है प्री में, ठीक है, और मेंस में भी कभी कभी मदद मिल जाती है। ठीक, तो जब हम मेंस में लिखते हैं फला प्रावधान इस चैप्टर के इतने से यहाँ तक सेक्शन में किया गया है, तो कब हम लिखेंगे? जब हमको चैप्टर के बारे में पता होगा कि वो चैप्टर क्या है, किस अध्याय में रखा गया है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधान किया गया है। ये समस्त चीजें हमें पता होंगी, तभी हम वो चीजें लिख पाएंगे। ठीक है, यहां भी आप नंबर ले जाते हैं औरों से, यदि आप इतना लिख देते हैं जब आप मेंस लिखते हैं शुरुआत में। चलिए, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, जो एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता चलता है हाँ, लड़के ने पढ़ा है, इसीलिए पूरा डिटेल में लिखा है, उसको पता है कि प्रावधान सीआरपीसी में कहां से कहां तक दिया गया है। ठीक है, ये मायने रखता है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिए, चैप्टर वाइज बांट लीजिए कौन सा चैप्टर है, कहां से कहां तक सेक्शन प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 3 सेक्शन 26 से 35 तक आज हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जो हमेशा बताता हूं, कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। जिस किसी ने यदि टेलीग्राम को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। जैसे वीडियो अगर हमें कल अपलोड करनी है तो मैं आज ही बता देता हूँ कि सुबह आपको मॉर्निंग में वीडियो सीआरपीसी की मिल जाएगी, या कोई भी न्यूज़ होगी उसको मैं बता देता हूँ उस टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आपको ये पता चल जाता है। कभी कभी यूट्यूब में होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, इस कारण से दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने कहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चले, सेक्शन 26 बात करते हैं। देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम पता हो आपको कि चैप्टर का नाम क्या कहता है, किस अध्याय में रखा गया है, कहां से कहां तक सेक्शन का प्रावधान किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 26 क्या बात कर रहा है? 26 देखिए, यह कहता है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, ये तो सेक्शन 26 हेडिंग बताई गई। अब हम कहेंगे कि न्यायालय ऐसा कौन सा न्यायालय है जिनके द्वारा अपराध विचारणीय होगा। तो किनके द्वारा अपराध विचारणीय होगा? तो दो तरीके से पढ़ेंगे, दो लोग हैं जो अपराध का विचारण करेंगे, उनको दो जगह बांटा गया है। कैसे? देखिए, ये विचारण न्यायालय है, ये सभी क्या है हम जो पढ़ेंगे वो विचारण न्यायालय होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब विचारण न्यायालय में कौन कौन आएंगे उनको देखा जाए। पहला आईपीसी के अंतर्गत बताया गया, विचारण न्यायालय में आईपीसी के अंतर्गत, और दूसरा अन्य विधि के अंतर्गत कौन विचारण न्यायालय होंगे। तो दो हमने कहा आपको कि सेक्शन 26 में दो चीजें बताई गई, एक तो आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है तो उसका विचारण कौन न्यायालय करेगा यह बताया गया, और दूसरा यह बताया गया कि अन्य विधि के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया गया तो उसका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा। ठीक है, यहां आपके दिमाग की जो घंटी है, ठीक है, वो बजनी चाहिए। क्यों? आपको याद होगा कि सेक्शन 4 हमने पढ़ाया था। क्या था सेक्शन 4, याद है? एक बार याद कर लीजिए सेक्शन 4 क्या है। कुछ याद आ रहा है सेक्शन 4 क्या है? चैप्टर 1 में कहां से कहां तक सेक्शन थे? सेक्शन 1 से लेकर 5 तक प्रावधान किया जाता था चैप्टर 1 का, उसमें सेक्शन 4 हमने बताया था। सेक्शन 4 देखिए, यहां सेक्शन 26 पढ़ना है आपको, तो आपको सेक्शन 4 और अनुसूची 1 यहां से गुजरना होगा, यह पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा काम। ठीक है, इतनी मेहनत होती है ये आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 यह कहता है कि सीआरपीसी के अंतर्गत कोई अपराध घटित हुआ है,
चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत अपराध घटित हुआ हो या अन्य विधि के अंतर्गत अपराध घटित हुआ हो, तो उसका विचारण सीआरपीसी के तहत किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 4। यही बात यहां है कि आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध घटित हुआ है या अन्य विधि के अंतर्गत कोई अपराध घटित हुआ है तो कैसे किया जा रहा है, सेक्शन 26 के अधीन उसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, तो 4 आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ शेड्यूल फर्स्ट पढ़ना है। आपको हमने बताया था सीआरपीसी में 2 शेड्यूल हैं, कौन कौन से हैं याद है आप लोगों को? अनुसूची फर्स्ट क्या कहा गया, अपराधों का वर्गीकरण कहा गया। ठीक है, अपराधों का वर्गीकरण कहा गया। अनुसूची सेकंड क्या कहा गया, प्रारूप बताता है। ठीक है, क्या बताता है, प्रारूप बताता है। अनुसूची फर्स्ट जो है अपराधों का वर्गीकरण है, ये 2 प्रकार के अपराधों को बताता है। एक जो आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत, ये ध्यान दीजिए, आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध है और अन्य विधि के अंतर्गत किए गए अपराध है। ये कहां बताया गया है, ये अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने ये बताया था आपको कि अनुसूची फर्स्ट में कई कॉलम है, कितने कॉलम है अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत, टोटल 6 कॉलम है। कितने, 6 कॉलम, याद कर लीजिएगा। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं कि 6 कॉलम में क्या क्या है, फर्स्ट में क्या, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स में क्या क्या है बातें, ये याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है प्री में पूछा जाएगा या फिर लास्ट में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो कौन सा न्यायालय विचारण करेगा अपराधों का, ये कहां बताया गया, ये अनुसूची फर्स्ट के कॉलम 6 में बताया गया है कि कौन सा न्यायालय किस अपराध का विचारण करेगा। ठीक है, तो ये 6 में है, कॉलम 6, इसको कर लीजिए कॉलम 6। ठीक, ये 26 के साथ आपको पढ़ना होता है, सेक्शन 4 प्लस अनुसूची फर्स्ट का कॉलम 6, तब बात बनेगी आगे। ठीक है, तो इतनी चीजें, इतनी कहानी मैंने क्या बताया आपको, सेक्शन 4 अनुसूची फर्स्ट कॉलम 6 के बारे में। अब आप इतनी चीजें समझ चुके होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। सेक्शन 26 कहता है कि न्यायालय किनके द्वारा विचारणी होगा, वो अपराध है तो किस न्यायालय के द्वारा विचारणी होगा, सेक्शन 26 इतनी बात कहता है, बस इतना ध्यान दीजिए। तो 2 अपराधों की बात की गई, एक आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराधों का विचारण और एक अन्य विधि के अधीन किए गए अपराधों का विचारण की बात करता है। दोनों में अलग अलग आपके न्यायालय होंगे जो विचारण करेंगे, उन्हीं को हमें देखना है कि कौन कौन से न्यायालय हैं जो विचारण करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमने कहा आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध का विचारण कौन देखेगा, ध्यान से देखिए, पहला हाईकोर्ट देखेगा। ठीक है, हाईकोर्ट करेगा विचारण, सेशन न्यायालय करेगा, थर्ड प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो बताए गए न्यायालय हैं, यही हमने बताया, देखिए ये यहां पे, तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो बताए गए न्यायालय हैं वो करेंगे अपराध का विचारण, और लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनिए, फोर्थ पॉइंट, बलात्कार जैसे अपराध के लिए पीठासीन अधिकारी किसी महिला द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, पीठासीन अधिकारी महिला द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है इसका, ये आपका 2008 में जोड़ा गया है और इसमें ये नया प्रावधान ये किया गया कि रेप से संबंधित कोई भी मामले आते हैं तो उसका विचारण, उसका ट्रायल कौन करेगा, तो उसका ट्रायल पीठासीन अधिकारी किसी महिला, किसी स्त्री के द्वारा ही उसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध किया गया तो कौन विचारण करेगा, हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय, फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, और रेप से मामला है तो कोई महिला करेगी। ठीक है, इतनी चीजें आईपीसी के अंतर्गत। अब आइए इधर, ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, सिर्फ प्री के लिए नहीं आगे भी काम देगा आपका। अन्य विधि के अंतर्गत कौन करेगा, अन्य विधि के अंतर्गत भी हाई कोर्ट करेगा, यहां भी हाई कोर्ट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाई कोर्ट यहां भी है, हाई कोर्ट यहां भी है, तो ये भी करेगा। दूसरा,
प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ भी प्रथम अनुसूची है, यहाँ भी है, इसमें भी बताया गया है कि अन्य विधि के अंतर्गत किया गया है तो कौन करेगा, ठीक, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। अब सेशन न्यायालय गायब है यहाँ पे, तो सेशन न्यायालय यहां से गायब है, क्यों, सेशन न्यायालय को क्यों नहीं शामिल किया गया, पता है आप लोग को क्यों नहीं शामिल किया गया सेशन न्यायालय को, देखिए क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अन्य विधि के अंतर्गत जब मैंने सेक्शन 4 बताया था उसमें मैंने बताया था कि अन्य विधि के अंतर्गत कौन से अपराध जैसे हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, पॉक्सो हो गया, ठीक, आईटी एक्ट हो गया, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत हो गया मान लीजिए, ठीक, और ऐसे अनेक आपके अपराध हैं जिनका विचारण कौन करता है, तो इन लोगों के लिए एक एक्ट, मतलब एक न्यायालय है जो स्पेशल कोर्ट कहलाती है, ठीक, स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही ऐसे अपराधों के संबंध में विचारण किया जाता है, तो इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, उसी के द्वारा इनका ट्रायल किया जाता है, और स्पेशल कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट के समकक्ष होती है, इक्वल होती है, समान होती है, इसलिए यहां पर सेशन कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, जब स्पेशल कोर्ट है यहां पे ट्रायल करने के लिए फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक, जब न रहती तब इनकी जरूरत पड़ती हमको, हालांकि है तो इसलिए यहां पर सेशन कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, क्लियर, तो ये आपका सेक्शन 26 यहां पे कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 27, 27 में सिर्फ एक शब्द ये पकड़िएगा, किशोर, ठीक है, किशोर, किशोर पूछा जाए, किशोर से संबंधित क्वेश्चन, तो आप बताएंगे 27 में किशोर है, ठीक है, यहां देखते हैं किशोरों के मामले में अधिकारिता किसको होगी, कौन सा न्यायालय ट्रायल करेगा, ध्यान रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यायालयों की शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए और उसके साथ आप पढ़िए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, देखिए जब हमको कहीं जाना है तो हमें पता होना होता है कि हमें कहाँ जाना है, ऐसे नहीं कि चले चले जा रहे हैं, चाहे यहाँ रास्ता जब यहाँ ख़त्म होगा वहाँ हम रुकेंगे, ऐसा नहीं, रास्ता तो ख़त्म नहीं होता, ठीक है, तो जहाँ जाना है वो हमको पता होता है, उसी हिसाब से हम अपना निकलते हैं घर से, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ये भी पढ़िए कि आपको पढ़ना क्या है, चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, उस लहजे में आप इन सब सेक्शंस को देखते रहिए। तो ये 26 खत्म हुआ, 27 में हमने कहा किशोरों के मामले में अधिकारिता की बात की जा रही है, ठीक है, सेक्शन 27 इसमें ये कहा जा रहा है, समझिए, ऐसा अपराध, कोई अपराध किया गया है किसके द्वारा, उस किशोर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, समझ लीजिए पहले, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हो या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है, कोई अपराध तो किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, बट वो अपराध जो है न तो मृत्युदंड से दंडनीय है न ही अजमानती आजीवन कारावास से दंडनीय है, न तो मृत्युदंड से दंडनीय है न तो आजीवन कारावास से दंडनीय है जो अपराध किया गया है, ठीक है, और जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है, ये बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसकी आयु, ध्यान रहे यहां क्या है, 16 वर्ष से कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाएगा, ठीक, दूसरा ये पूछा जाएगा, तो जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसकी एज कितनी है, 16 वर्ष से कम, अर्थात 16 वर्ष से कम है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, किशोर, ठीक है, किशोर, यहां तक आप आइए फिर हम आगे चलते हैं। क्या हमने कहा, कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, जो अपराध किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा वो अपराध न तो मृत्युदंड से दंडनीय है न तो आजीवन कारावास से दंडनीय है, क्लियर, और वह व्यक्ति जो अपराध ऐसा कर रहा है उसकी एज कितनी है, 16 वर्ष से कम है, तब उस दशा में उस मामले का विचारण कौन करेगा, प्रश्न ये उठता है, तो उसी का जवाब सेक्शन 27 में
दिया गया है, दो लोग विचारण करेंगे ऐसे मामले में, कौन दो लोग हैं? चलिए देखिए, तो विचारण कौन कर रहा है? सीजीएम के द्वारा किया जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या बालक अधिनियम 1960 के तहत इसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अब जुवेनाइल कोर्ट भी बन गई है बालकों के संबंध में, बट ये पुराना एक्ट आपका चला आ रहा है, इसलिए ये अभी भी है। हालांकि आने वाले वक्त में जरूर इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को कि अपराध ऐसा किया गया जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित नहीं है, बट ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, तब इस उस स्थिति में विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या बालक अधिनियम 1960 के अंतर्गत उसका विचारण किया जाएगा। बस इतनी चीजें आपको पता होनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजीएम है, ये पूछा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, किस न्यायालय के द्वारा, तो आपको पता हो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या इनके द्वारा। आइए इधर, ये हमारा 26 और 27 कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं 28। यहां देखिए, दंडादेश देने की शक्ति अर्थात दंड देने की शक्ति, पावर किसके पास है, ये प्रावधान सेक्शन 28 और 29 बताता है आपको। 28 और 29 में बताया गया है कि दंड देने की शक्ति किसके पास है। ठीक, तो सेक्शन 28 में क्या है पहले ये देखते हैं, ये न्यायालयों के दंडादेश देने की शक्ति के विषय में है। ध्यान दीजिए, सेक्शन 28 जो है ये न्यायालयों के दंडादेश देने की शक्ति है, जबकि सेक्शन 29 मजिस्ट्रेटों के दंडादेश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया। दोनों में अंतर करके चलिए तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो न्यायालय के दंडादेश देने की शक्ति ये रही, मजिस्ट्रेटों के दंडादेश देने की शक्ति 29 के अंतर्गत ये रही। ठीक, अब देखिए न्यायालयों के दंडादेश देने की शक्ति में कौन कौन लोग हैं, इनको देखते हैं, कौन कौन से न्यायालय हैं और कितना दंड देंगे। ठीक है, दो चीजें हम देखेंगे, कौन कौन से न्यायालय हैं और कितना वो दंड दे सकते हैं, इनको हम देखते हैं। पहला हाई कोर्ट, सेक्शन 28 के अंतर्गत, ध्यान रखिए न्यायालयों के दंडादेश देने की शक्ति में पहला क्या है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के संबंध में कहा है वो स्वतंत्र है, वो राजा है, कोई भी दंड दे दें हाई कोर्ट, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं। ठीक, सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय, ध्यान दीजिएगा कि सेशन न्यायालय हो या अपर सेशन न्यायालय, वो इक्वल होते हैं, उन्हें समान दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, तो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय कितना दंड देंगे, ये भी कोई दंड दे सकते हैं, बट इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाया गया है। क्या लगाया गया है ये देखिए, कोई भी दंड दे सकते हैं, परंतु मृत्युदंड की दशा में, जब वो मृत्युदंड देने जाएंगे उस दशा में हाई कोर्ट से पुष्टि आवश्यक है। ठीक है, उस मामले को पहले हाई कोर्ट भेजेंगे, देखें हाई कोर्ट चेक करेगा क्या वाकई में वो मृत्युदंड देने लायक है मामला या नहीं है। ठीक है, ये सब पुष्ट करने के बाद ही इनके द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पुष्टि कहाँ बताया गया है, सेक्शन 366 में बताया गया, 366 में पुष्टि के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, तो इसके बारे में कायदे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि जब पुष्टि के लिए जाता है तो फिर निष्पादन होता है, वो अलग सेक्शन के अंतर्गत फिर मामला बढ़ता है, तो इसके जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो बस इतना जानिए कि 366 में पुष्टि के लिए भेजा जाता है हाई कोर्ट के पास। ठीक, तो हमने क्या कहा, हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय ये भी कोई भी दंड दे सकते हैं, बट जब मृत्यु दंड देना होगा तो इसके संबंध में पुष्टि के लिए कहाँ जाएगा मामला, हाई कोर्ट भेजा जाएगा। ठीक, इतना। लास्ट इसमें कहा गया, सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंड देंगे, तो सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक दंड दे सकते हैं। दंड कितना पनिशमेंट दिया जा रहा है ये याद रहे आपको। ठीक है, तो 10 वर्ष तक दिया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि सहायक सेशन न्यायाधीश, जब आप बेरट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता, कौन, सहायक सेशन न्यायाधीश। हम सीधे लिख दें 10 वर्ष तक का दे सकते हैं, अंडरस्टूड है भाई कि हम उतना नहीं दे सकते तो कितना दे सकते हैं, तो 10 वर्ष तक दे सकते हैं। सीधे आप लिख दीजिए यहीं पे कि सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक दंड दे सकते हैं। क्लियर,
तो न्यायालय के दंडादेश देने की शक्ति हमने पढ़ लिया, ये हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, इनके विषय में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मजिस्ट्रेटों के दंडादेश की शक्ति, ये कितना दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन कौन आते हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 29 में, ये ध्यान रखिएगा। 29 में कौन कौन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, पहले ये देखिए, CGM है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये लोग कौन है, ये लोग मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत इनको गिना जाता है, शामिल हैं ये लोग। चलिए देखते हैं ये लोग कितना दंड देंगे, ये हम लोग 29 में बात कर रहे हैं, 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटों के दंडादेश की शक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। पहला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों यहां इक्वल हैं, समान दंड दे सकते हैं, ध्यान रहे, हमने क्या नाम लिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये दोनों लोग कितना दंड दे सकते हैं, 7 वर्ष तक दंड दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि CGM कितना दंड दे सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो आप बताएंगे कि 7 वर्ष तक का दंड दे सकते हैं, ठीक, ये लोग। सेकेंड, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, यहां देखिए दोनों इक्वल हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों इक्वल हैं, तो दोनों समान दंड दे सकते हैं। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कितना दंड देंगे, 3 वर्ष या ₹10,000 जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है, कर सकते हैं मतलब, ठीक है। ध्यान रहे कि ये जो 10,000 है, ये 2005 से पहले ये 5,000 हुआ करता था, बट 2005 में अमेंडमेंट करके इसे ₹10,000 कर दिया गया है, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रहे आपको। लास्ट है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कितना दंड देंगे, 1 वर्ष या ₹5,000 या दोनों से दंडित कर सकते हैं। यहां भी 2005 के पहले ₹1,000 था, 2005 में संशोधन करने के पश्चात ये ₹5,000 रकम हो गई, ठीक है। तो ये रहे कौन, मजिस्ट्रेटों के दंडादेश देने की शक्ति में ये लोग आ गए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये लोग किसमें आए, मजिस्ट्रेटों के दंडादेश देने की शक्ति में शामिल है। कितना दंड देंगे, यहां हमने आपको बता दिया सेक्शन 29 के अंदर। तो सेक्शन 28, सेक्शन 29 यहां पर कंप्लीट हुआ। सेक्शन 30 देखते हैं, सेक्शन 30 क्या है, सेक्शन 30 के अंतर्गत कहा गया जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास कैसा होगा, मुख्य दंडादेश के 1/4 से अधिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा खाली फंडा ये है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता, प्री का सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति है, अपराध और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है और जुर्माना नहीं दे पाता, तो कितना अवधि तक का उसको दंड दिया जाएगा, तो 1/4 से अधिक नहीं, जितना उसका अपराध है उसका 1/4 से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक। इसी से संबंधित आप यहां पढ़े होंगे सेक्शन 65 ऑफ IPC, ठीक है, IPC में सेक्शन 65 जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई अपराध और जुर्माना, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो मान लीजिए कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है, उस स्थिति में यदि वह व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाता है, व्यतिक्रम कर देता है, तो कितना दंड मिलेगा, तो जो आप दंड दे रहे हैं वो तो मिलेगा ही, प्लस जितना वो उस दंड का अधिकतम दंड होगा उसका 1/4 और दंड दिया जाएगा, ठीक है, ये बातें वहां बताई गई हैं, यही बात यहां लागू भी होती है, ठीक है। यही चीज यहां है कि जुर्माना नहीं दे पाएगा तो जितने जो अपराध किया था, जो अधिकतम दंड था उसका, उसके 1/4 दंड और मिलेगा, ठीक है, यदि जुर्माना नहीं दे पाता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि चोरी का अपराध उसने किया, ठीक है, चोरी की सजा कितनी है अधिकतम, चोरी कहां बताई गई, चोरी 378 में बताई गई डेफिनेशन, 379 में चोरी का दंड बताया गया, चोरी का दंड कितना है, 3 वर्ष,
ठीक है, 3 वर्ष चोरी का है। अब कोई व्यक्ति चोरी किया और उसको 1 वर्ष तक का दंड दे दिया गया प्लस जुर्माना अधिरोपित कर दिया गया, मान लीजिए 1,000 रुपये या कुछ भी जो भी जुर्माना अधिरोपित कर दिया गया। अब जुर्माना वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1 वर्ष हो गया और प्लस कितना 1,000 रुपये जुर्माना हो गया। अब जुर्माना नहीं दे पा रहा है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा और 1/4 कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का 1/4 निकाल लीजिए, लगभग 9 माह आ जाएगा, तो 9 माह और दिया जाएगा उसको दंड, ठीक है। तो ये आपका इसका यहाँ पे कहने का मतलब है, सिर्फ ये जानते हैं 1/4 से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा सेक्शन 13 में, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखिए मैं यहाँ पे भूल गया, जैसे यहाँ पे तो बता रहे हैं कि इतना इतना रुपये जुर्माना, अगर जहाँ जुर्माना नहीं है तो क्या वो जुर्माना नहीं देंगे, जुर्माना नहीं लगाया जा सकता उस न्यायालय के द्वारा, जैसे यहाँ है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कितना देगा 7 वर्ष तक, जुर्माना नहीं वहाँ पे लिखा, तो क्या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जाएगा, ठीक है, लगाया जा सकता है, ठीक है, बट वो जुर्माना कितना होगा, चाहे जितना लगा दे, नहीं चाहे जितना नहीं लगाएंगे, उसका भी आईपीसी में बताया गया सेक्शन 63 जब आप पढ़ेंगे, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी ये जब आप पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है यदि कोई अपराध आपका जुर्माना नहीं बताया गया कि कितना जुर्माना लगाया जाएगा तो वहां क्या होगा, असीमित तो हो सकता है बट अत्यधिक नहीं होगा, ठीक है, कि चोरी का किसी ने अपराध किया आप लगा देंगे 50 लाख रुपए जुर्माना, उसकी हैसियत उसकी स्थिति परिस्थिति देखते हुए आप जुर्माना अधिरोपित करेंगे, ठीक है, कि गरीब व्यक्ति आप करोड़ों रुपए जुर्माना लगा दो तो कहाँ से दे पाएगा वो, तो वो चीज़ देखते हुए तब करेंगे, इसलिए कहा गया असीमित हो सकता बट अत्यधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका पूरा हमने कवर करा दिया है चैप्टर 3 सेक्शन 26 से 35 तक। अब आप कहेंगे आगे वाला सेक्शन कौन बताएगा, आगे वाला सेक्शन हम नहीं बताएंगे क्योंकि आगे वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सभी सेक्शन क्यों पढ़ेंगे यार, हाँ कुछ तो छोड़ दीजिए और फिर एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे, जो छूटा होगा यहां से आप एमसीक्यू में कवर कर लीजिएगा, करेंगे तो है ही ना एमसीक्यू, ऐसा नहीं है कि पूरा आप कवर कर लिया, दिमाग ही है नहीं वो पकड़ पाएगा उस चीज को, पूरा पढ़ के क्या करेंगे भाई आप पहले इतना कवर कर लीजिए, इतना कर लेते हैं उसके बाद कदम आगे बढ़ाइए और फिर उसको पढ़िए जो पढ़ना है आपको, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस है उनको मत छोड़िए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जो सेक्शन है कोई भी वैसा फालतू नहीं दिया गया है, सब इंपॉर्टेंट, मगर वो किसके लिए है ये भी ध्यान दीजिए, वो सिर्फ हमारे लिए आपके लिए नहीं है और लोगों के लिए है, ठीक। तो उतना पढ़िए जितना कंट्रोल कर ले जाइए आप, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो यहां तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इसके साथ ये टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 को लेकर, अध्याय 4 छोटा ही है तो उसको जल्दी ही हम लोग समाप्त कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बस थैंक यू।